सो टाइप नंबर थ्री इज़ इम्परेटिव टाइप. सो इम्परेटिव टाइप में हम पढ़ेंगे अबाउट डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच. दिस टाइप इज़ कॉल्ड इम्परेटिव टाइप बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच हैज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. सो टाइप नंबर थ्री इज़ इम्परेटिव टाइप डायरेक्ट स्पीच. ए रिपोर्टिंग वर्ब, बी रिपोर्टेड स्पीच. दिस टाइप इज़ कॉल्ड इम्परेटिव टाइप बिकॉज द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच हैज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस. इसको हम इम्परेटिव टाइप इसीलिए क्यों बोलते हैं क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है डायरेक्ट स्पीच के अंदर उसमें होता है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? दो सेंटेंस विच हैव रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और एडवाइस एंड ऑलवेज बिगेन विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. सो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है. दो सेंटेंस विच हैव रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से ही चालू होते हैं, दैट इज़ नोन एज इम्परेटिव सेंटेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लीज़ इल्यूमिनेट माई पाथ. सो यहाँ पे प्लीज़ से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ अ रिक्वेस्ट. डोंट डिप्राइव एनी वन ऑफ होप. सो इट इज़ अ एडवाइस कि ऐसा मत करो. तो जहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड या कोई ऑर्डर या कोई एडवाइस हमें दिखता है वहाँ पे हमें समझ जाना है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ इम्परेटिव सेंटेंस. रूल्स, सेड और सेट टू यूज़ करते हैं हम रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस्ड में. टू इज़ यूज्ड एज अ कंजक्शन एट द प्लेस ऑफ कॉमास और कॉमास की जगह पे यहाँ पे यूज हो जाता है टू. इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट्स विद डू नॉट, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो डू नॉट से स्टार्ट हो रही है देन वी डोंट पुट टू एट द प्लेस ऑफ कॉमास. तो हम फिर कॉमास की जगह टू को प्लेस नहीं करेंगे. वी रिमूव डू नॉट तो हम उसमें क्या कर देंगे, हम डू नॉट को रिमूव कर देंगे एंड पुट नॉट टू एट द प्लेस ऑफ कॉमास और डू नॉट को हटाकर नॉट टू हम प्लेस कर देते हैं. प्लीज़ और काइंडली वर्ड इज़ रिमूव्ड और प्लीज़ और काइंडली वर्ड रिमूव हो जाता है. एस ओ एन 123 रूल इज़ ओबेड. नाउ वी विल स्टडी फ्यू एग्जाम्पल्स. डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू रोशाली डू नॉट मूव ऑन अनएथिकल पाथ. इनडायरेक्ट स्पीच, ही एडवाइज्ड रोशाली नॉट टू मूव ऑन अनएथिकल पाथ. तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमा हट गया और नॉट टू आ गया और सैड हट के एडवाइज्ड आ गया. सैड और सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड आ जाएगा. दे सेड टू हर ब्रिंग अवर अम्ब्रेलास इमीजिएटली. दे ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग देयर अम्ब्रेलास एट वंस. यू सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी नाउ. यू रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प यू देन. So these were the example of imperative sentence and it was type number 3. तो इसके हमने rules भी पढ़ लिए कि हमें कैसे कहाँ पर किस चीज़ को use करना है. यहाँ पर हम do not को remove करके not to use कर रहे हैं. They said to her bring our umbrellas. They said to her. तो यहाँ पे सेड की जगह हमने क्या, यहाँ पे हमें सेंटेंस में अगर दिख रहा है कि ये कोई ऑर्डर है तो हम यहाँ पे सेड की जगह लगा देंगे ऑर्डर्ड. यू सेड टू हर प्लीज़ हेल्प मी नाउ. यू रिक्वेस्टेड हर प्लीज़ हेल्प मी नाउ. प्लीज़ हेल्प मी नाउ क्या है, रिक्वेस्ट है तो इसीलिए इसमें हम बोल रहे हैं कि सेड की जगह रिक्वेस्टेड लग जाएगा. सो हेयर we have completed today our type number 3 also. In the next video we will study type number 4.